दादागिरी नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। कश्मीर हमारा है, हमारा है कश्मीर, हमारा है, हमारा है कश्मीर, हमारा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, दादागिरी नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, दादा। लोगों ने शिवसेना में शामिल होना था, शिवसेना का कैंपेन चल रहा है, मेंबरशिप ड्राइव चल रही है, तो हम जम्मू से सुबह रवाना हुए, हमें सुरक्षा व्यवस्था दी गई, पूरे रास्ते में हम बिना रोक टोक के यहाँ पहुँचे। हम अभी पुलिस प्रशासन और जम्मू कश्मीर प्रशासन का लाइव धन्यवाद ही कर रहे थे कि जैसे ही हम उधमपुर यहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा परमिशन था, आप बोले हमारे पास सिक्योरिटी थी, तो उसके बाद क्यों पुलिस ने यहाँ पर, ये तो पुलिस, अच्छा बेहतर है कि आप ये सवाल पुलिस से कीजिए, ये सुरक्षा व्यवस्था आप कैमरा बुलाइए, ठीक है। हमारे जम्मू से हमें सुरक्षा साथ में दी गई थी, स्पॉट दिया गया था, श्रीनगर PCR को मालूम है, PCR से लगातार फोन आ रहे हैं कि आप श्रीनगर कितने बजे पहुंच रहे हो। शायद मुझे अब लगता है कि पुलिस प्रशासन पर हमारी जो है विपक्षी पार्टियों का, जो सत्तासी पार्टियां हैं, उनका कोई ना कोई दबाव होगा कि वहां पर शिवसेना को ये अनुमति ना दी जाए कि वहां पर वो अपनी पार्टी का प्रचार और प्रसार करें। मैं तो कहूंगा कि एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत जल्द लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करने का दावा करते हैं, कश्मीर के हालातों में सुधार का दावा किया जाता है, क्या ये कश्मीर के हालातों का सुधार है कि आज भी 370 टूटने के बाद अभी हम पहली वाली याद आ रही है कि शायद कश्मीर की कोई स्थिति के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी जो इशारा कर रहे हैं, शायद उनका लोकतांत्रिक बहाली का इशारा मात्र BJP को कश्मीर से इलेक्शन लड़वाना है और किसी पार्टी को नहीं। देखिए हम धरना देने वाले, हम धरना दे सकते हैं, हम कानून व्यवस्था को पूरी तरह से मानते हैं, हम किसी तरह की कानून व्यवस्था ख़राब नहीं करेंगे, हम यहाँ धरना देंगे, इनके उच्च अधिकारियों से एक बार फिर गुहार लगाएंगे, अपील की जाएगी कि बताइए कश्मीर के अंदर मात्र 6 से 8 शिव सैनिकों के जाने से उनको क्या खतरा है, क्या कश्मीर के हालातों में क्या है, हमें जानकारी दी जाए, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि पुलिस प्रशासन हमें क्या जवाब दे। सर जिस तरह से आप जो है श्रीनगर की तरफ जा रहे थे, निशानी चौक पे आपको रोक दिया गया, क्या बिल्कुल जी, हम बड़े शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को लिखित के अंदर पूरी तरह से जानकारी देकर यहाँ जम्मू से निकले थे आज सुबह 10 बजे के आसपास। मुझे तो लगता है कि शायद पुलिस प्रशासन में आपस में भी कहीं तालमेल नहीं है, क्योंकि हमें जम्मू से रवाना होने दिया जाता है, स्पॉट हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाती है, श्रीनगर में भी वहाँ पर बनिहाल के बाहर हमें लगातार फोन आ रहे हैं कि वहाँ पर हमारी जो है सुरक्षा के लिए स्पॉट वहाँ पर इंतज़ार कर रही है, मगर उसके बावजूद जम्मू से जैसे ही हम 70 किलोमीटर आगे चलते हैं, उधमपुर चौक पर पहुँचते हैं, यहाँ पुलिस प्रशासन द्वारा हमें जबरन रोक दिया जाता है। जब हम जानकारी लेते हैं कि रोकने का कारण क्या है, तो हमें कश्मीर के हालातों का हवाला दिया जाता है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर कश्मीर के हालात आज भी नहीं सुधरे हैं, तो शायद 370 हटने का यहाँ पर जम्मू कश्मीर को कोई फ़ायदा नहीं मिला। एक तरफ से हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त को लाल किले से भाषण देते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत जल्द लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल कर दी जाएगी। इस तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल होगी, ये तो जनता के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। हम वहाँ पर पार्टी का प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए वहाँ पर जा रहे थे। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, क्या BJP अकेली वहाँ पर कश्मीर के अंदर चुनाव लड़ना चाहती है? कश्मीर में के अंदर BJP के नेता बेरोक टोक जा सकते हैं, तो शिवसेना के नेताओं को वहाँ पर जाने पर क्यों रोका जाता है? हमें किस लिए लगातार ये दूसरी बार है कि शिवसेना के नेताओं को जबरन यहाँ पर रोक दिया गया? आज हमें उधमपुर में रोका गया, 2 माह पहले हमें वहाँ पर जो आगे बनिहाल के अंदर रोक लिया गया था, वहाँ से हमें डिटेन कर जबरदस्ती पुलिस प्रोटेक्शन के साथ वापिस भेज दिया जाता है, जो निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य है।